हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो आज से हम अपने इंग्लिश का सेशन शुरू करेंगे, अपनी इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनाएंगे अलग से, ठीक है, और जल्दी अपने इंग्लिश का सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। ओके, तो देखो आपका जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, ठीक है। सोच की हंसी आके फर्स्ट चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन। ओके, तो देखो ये जो चैप्टर है ना, इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर का नाम है अल्फोंसो डोरेट, ठीक है, अल्फोंसो डोरेट। एज सच आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने जो बोर्ड्स होंगे उसमें अगर आप अपने आंसर में ये ऑथर का नाम लिख देते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, तो उससे जो आपका एग्जामिनर होगा ना उस पर एक इम्प्रेशन अच्छा बनता है कि हाँ इस बच्चे को ऑथर का नाम भी मालूम है। तो देखो ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर हमारा बेस्ड है उस टाइम पे जिस टाइम पे फ्रेंच और पर्शिया के बीच में वॉर चल रही थी, और इस चैप्टर में हमारे पास एंड में इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इस चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इस चैप्टर की थीम, तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो शुरू करके अपना चैप्टर, ये चैप्टर बेस्ड है पर्शिया और फ्रेंच के टाइम पे जो वॉर चल रही थी उस टाइम के बेसिस पे ये चैप्टर है, ठीक है। और उस टाइम पे हुआ क्या था, जो फ्रेंच था वो पर्शिया से वॉर हार गया था, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में मेन दो कैरेक्टर्स है, एक है फ्रेंच जो कि स्टूडेंट है, एक है एम हेमल जो कि टीचर है, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है फ्रेंच से। फ्रेंच स्कूल जा रहा होता है, ठीक है, वो एक ऐसा बच्चा है जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ठीक है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता है पढ़ाई में, उसको खेलना कूदना ये सब ज्यादा पसंद होता है। तो वो स्कूल जाके जाके उसको एकदम से याद आता है कि अरे मैंने वो तो याद ही नहीं किया पार्टिसिपल्स नाम का एक चैप्टर है जो कि एम हेमल ने सब बच्चों को होमवर्क में दिया था, लेकिन फ्रेंड्स वो याद करना भूल जाता है। तो वो सोचता है चलो अब ठीक है चले जाके स्कूल जो होगा देखा जाएगा। तो वो ये सोच के स्कूल के लिए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो आगे जाता है तो आगे जाके एक बुलेटिन बोर्ड होता है, ठीक है, उस बोर्ड पे जितनी भी फ्रेंच की जितनी भी उस कंट्री की बुरी बैड न्यूज होती है वो सब बैड न्यूज उस बोर्ड पे होती है, और उस बोर्ड पे आसपास बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हो रखा होता है। वो सोचता है कि जाके देखे कि क्या ऐसी बैड न्यूज आई है अब जो इतना जाके भीड़ जमा हुई है, लेकिन वो सोचता है कि चलो बाद में देख लेंगे, अभी वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है, वो जल्दी से स्कूल जाता है। फिर वो स्कूल जाता है ना, तो यूजुअली क्या होता है स्कूल में बहुत ज्यादा हल्ला होता है, बहुत ज्यादा शोर वगैरह होता है, ठीक है, और वो अक्सर क्लास के लिए लेट होता है। तो वो क्या करता है, जब भी वो स्कूल जाता है ना तो क्लास के लिए लेट हो जाता है, तो वो क्या करता है चुपचाप से जाके बैठ जाता है क्लास में, नीचे से घुस के क्लास में बैठ जाता है और पीछे अपनी बेंच पे जाके बैठ जाता है, किसी को पता नहीं चलता कि जो फ्रेंड्स है वो लेट आया है। लेकिन इस दिन वो जब स्कूल जाता है ना, स्कूल में बिल्कुल शांति होती है, ऐसी शांति जो बिल्कुल संडे मॉर्निंग्स में शांति होती है, जब स्कूल में कोई नहीं होता ऐसी शांति होती है स्कूल में, ठीक है। तो वो पहले तो ये चीज देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि स्कूल इतना शांत क्यों है आज। फिर वो आगे जाता है, वो अपनी क्लास की तरफ जाता है, ठीक है, क्लास की तरफ जाके देखता है जो एम एम एल होके वो क्लास में ऑलरेडी होके है। तो एम एम एल उससे कहते हैं फ्रेंड से कि आ जाओ फ्रेंड्स, अंदर आ जाओ जल्दी से क्लास के अंदर, नहीं तो मैं भी ये चैप्टर शुरू करने ही वाला था, वो ये कहता है, ठीक है। तो वो ये कहता है तो फ्रेंड्स क्या करता है, फ्रेंड्स सोचता है कि यार ऐसा कैसे हो गया कि जो एम एम एल है उन्होंने मेरे पे चिल्लाया नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, वो ये सोचता है। सेकंड चीज उसको ये ज्यादा बहुत ज्यादा अजीब लगती है कि आज एम एम एल मेरे पे चिल्लाए नहीं, वो उसको चुपचाप जाके बिठा लेते हैं सीट पे। फिर वो क्या देखता है, थर्ड चीज वो नोटिस करता है, क्लास में जब वो घुसता है तो जो बैक बेंचेस होती है ना, बैक बेंचेस पे जितने भी विलेजर्स होते हैं वो बैठे होते हैं, वो सोचता है कि ये लोग क्यों आके बैठे हैं, किसी चीज उसे ये बहुत ज्यादा अजीब लगती है कि ये लोग क्यों बैठे हैं। फिर वो अपनी टीचर की तरफ देखता है ध्यान से, एम हेमल की तरफ, वहां पे वो देखता है उन्होंने अपनी फ्रेंच शर्ट पहनी होती है, ठीक है, उन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहना होता है और ग्रीन सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड कैप पहनी होती है, जो कि ये सब ऐसा ड्रेसअप जो एम हेमल होके वो जागेगा उन दिनों पे करा करते हैं जब कोई इंस्पेक्शन का दिन होता है या फिर कोई भी अवार्ड देने का दिन होता है, मतलब कोई भी स्पेशल ओकेशन होता है उस ओकेशन पे जो एम एम एल होते हैं वो ऐसा ड्रेसअप करके फ्रेंड्स ये सोच के बड़े हैरान हो जाते हैं कि आज इन्होंने ऐसा क्यों पहना है। फ्रेंड्स को लगता है बहुत ज्यादा बेकार से टीचर है, खड़ूस टीचर है, वो ये सोचता है उनके बारे में, ठीक है। फिर इतने में क्या होता है, जो एम एम एल होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा सैड होते हैं, ये सब चीजें फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा उसी के दिमाग में घूम रही होती है कि ये सब चीजें इतनी अजीब क्यों हो रही है आज। फिर जो एम एम एल होके वो बोल के क्लास के सामने अनाउंस करके कि दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये सुन के ही जो फ्रेंड्स होते हैं उसके दिमाग की घंटी बज गई है कि अच्छा ये बात है, इसीलिए ये विलेजर्स यहाँ पे आके बैठे हैं, इसीलिए आज ये जो एम एम एल है वो इतना अच्छा ड्रेसअप करके आया है जो वो स्पेशली ओकेशन पे करके है, ठीक है, और इसीलिए आज स्कूल में इतनी शांति है, ठीक है। तो अपने एम एम एल आगे अपनी बात बोल के कि इसीलिए क्योंकि फ्रेंच वॉर हार गया है पर्शिया से, तो जो बर्लिन है बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एलसेक्स और लॉरेन इन सबके सारे स्कूल में
आज से फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये सुन के जो MML होके वो तो खुद दुखी होती है, ठीक है, उसको फ्रेंड्स भी इतना ज्यादा गिल्ट फील करता है कि यार मैंने अभी तक अपनी मदर टंग पे क्यों ध्यान नहीं दिया, मैंने क्यों अभी तक अपनी पढ़ाई सही से नहीं की है ना, उसको अंदर से इतना गिल्ट फील होता है, बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है कि जो उसको उसको समझ में आता है कि जितने भी विलेजर्स पीछे बैठे हैं ना, ये एम हेमल की 40 ईयर्स की जो उनका प्रोफेशन है, 40 साल से वो टीचिंग कर रहे हैं, फ्रेंच पढ़ा रहे 40 साल से, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए आए हैं, ठीक है। और जितने भी जो विलेजर्स है अपनी मदर टंग फ्रेंच के लिए रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आए हैं आज, क्योंकि आज फ्रेंच लैंग्वेज का यहाँ पे लास्ट डे है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो MML होता है ना वो सोचता है, वो खिड़की के बाहर देखता है, क्योंकि बाहर देखता है तो जो पिजन्स होते हैं ना वो उड़वे होते हैं, ठीक है। तो वो सोचता है कि ये जो लोग है, ये लोग इन पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज में गाना गाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। फिर वो सोचता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये लोग अपना जोर बस हम ह्यूमन बींग्स पर चला सकते हैं, इन एनिमल्स इन बर्ड्स पे ये लोग अपना जोर नहीं चला सकते, ये जो एनिमल्स और बर्ड्स है ये लोग बिल्कुल आजाद है इस चीज को लेके, ठीक है। उस टाइम पे ना जो फ्रेंड्स होता है वो अंदर से इतना ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसके मन में ना अचानक से ही जो उसके टीचर होते हैं MML, जिनकी वो कभी रिस्पेक्ट नहीं करता था, जिनको वो इतना खड़ूस मानता था, उनके लिए अचानक से रिस्पेक्ट आ जाती है, ओके। फिर क्या होता है, MML फ्रेंड्स को खड़ा करता है उसके लिए, जो उनका टेस्ट लेना था, उनको पार्टिसिपेंट्स का जो टेस्ट लेना था उसके लिए उसको फ्रेंड्स को खड़ा करता है, ठीक है। फ्रेंड्स को कुछ नहीं आता क्योंकि वो पढ़ के गया नहीं था। फिर MML कहते हैं कोई बात नहीं, बैठ जाओ फ्रेंड्स, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है और तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है। अब देखो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि इसमें किस किस की गलती और क्यों गलती बताते हैं। MML क्या कहते हैं आगे कि मेरी गलती ऐसे है कि मेरे को जब फिशिंग करने का मन करता था तो मैं तुम लोगों को छुट्टी दे देता था कि आज की छुट्टी, आज मैं फिशिंग पे जाऊंगा, ठीक है। और दूसरी गलती अपनी बताते हैं कि मैं ही तुम लोगों को क्लास के बीच में भेज देता था कि बाहर गार्डन है उसमें प्लांट्स को पानी दे दो, ये सब कर लो, ठीक है। तो वो सोच के इसमें मेरी गलती है, तो मेरे पेरेंट्स की गलती इसलिए क्योंकि उन लोगों ने कभी तुम्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं किया, वो लोग चाहते थे कि ज्यादा पैसा आए, ठीक है। तो वो लोग तुम्हें मील्स पे काम करने के लिए भेज देते हैं, वो लोग तो मैं एस सच पढ़ाई के लिए मोटिवेट नहीं करके। तो वो ये कहते हैं MML इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, इसमें हमारी और तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है, तो ओके। फिर क्या होता है, जब फ्रेंड्स होता है ना, जब MML ये सब बात सोच बोल के तो फ्रेंड्स और ज्यादा गिल्ट फील करने लगता है कि मैंने आज तक क्यों पढ़ाई नहीं की, क्यों अपनी मदर टंग पे इतना ध्यान नहीं दिया है, ओके। फिर क्या होता है, फिर जब मिस्टर फ्रेंक जो MML होते हैं ना वो बहुत ज्यादा उदास होके वो कुछ नहीं बोल रहे होते, फिर वो क्या करते हैं, क्लास में इतना साइलेंस होता है ना कि वो जो काम करने के लिए क्लास के लोगों को देखे हैं, बच्चों को देखे हैं, वो काम भी जो पेन की आवाज होती है, स्क्रिबलिंग की आवाज होती है जब पेन से कोई लिखता है, उसकी आवाज भी साफ सुनाई देगी कि इतनी ज्यादा क्लास में शांति होती है। फिर MML क्या करके, MML बार बार जो वॉल पे क्लॉक होती है, क्लॉक की तरफ देखते हैं कि 12 बज जाएंगे, तो उनका 12 बजे तक का लास्ट टाइम है, वो लोग यहाँ पे रुक के फ्रेंच पढ़ा सकते हैं। फिर क्लॉक में 12 बज जाके उनको पता चल जाता है कि अब वो और नहीं पढ़ा सकते, वो दुखी होके वो कुछ नहीं बोल पाते, क्लास के सामने कुछ भी नहीं बोल पाते, वो सीधा जाके बोर्ड पे जाके लिख देते हैं वाइव ला फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स अमर रहे, उनका मतलब ये होता है, ठीक है। एंड में वो यही लिख के चले जाके और यहीं पे आपकी ये वाली कहानी खत्म हो जाती है। तो बेसिक इस कहानी का जो आई होप आपको समझ आ गई होगी ये कहानी, इसकी समरी, ओके। तो ये जो कहानी है इसकी थीम क्या है, इसकी थीम ना दो मेन थीम है, थीम्स है इसकी, पहली है इसकी मदर टंग, जो आपकी मदर टंग है उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको इम्पोर्टेंस देना, उसके लिए जो आपका प्यार है, वो सब चीजें इस चैप्टर में ऑथर ने बताई है, जिस तरीके से विलेजर्स आके अपनी मदर टंग को रिस्पेक्ट देने के लिए वहां पे आगे बैठे के, जिस तरीके से जो MML के वो ड्रेसअप हुए के, क्योंकि ये सब इसकी पहली थीम होती है, इसकी मदर टंग को रिस्पेक्ट करना, उसको उसकी उसके लिए लव दिखाना, ये सब। और सेकेंड थीम होती है इसकी एजुकेशन, कि एजुकेशन सब बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दो मेन थीम है जो आपकी आपके ऑथर ने इस चैप्टर में बताई है, ओके। तो अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शुरू करके, देखो पहला हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन आप लोग लिख लो, वैसे मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में PDF बना के लिंक डाल दूंगी इसका PDF में, ओके। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, हाउ डिड फ्रेंड्स रिएक्ट टू दिस डिक्लेरेशन ऑफ MML, यानी कि ये आपका लास्ट फ्रेंच
फ्रेंच का लेसन है ये सुन के जो जो आपका फ्रेंड्स है उसको क्या उसका क्या रिएक्शन का ये इसका क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर सिंपल है कि उसको बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था, वो ये सोच रहा था कि उसने आज तक उसने अपनी मदर टंग पे क्यों ध्यान नहीं दिया। वो उसके उसके लिए उसके मन में ना जिसके टीचर है MML उनके लिए भी रिस्पेक्ट होगी कि 40 साल से वो इस प्रोफेशन में है, उन्होंने इस लैंग्वेज को अपनी 40 साल दी है। ठीक है, ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी। सेकेंड देखो, हु डिड M Hammond ब्लेम फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंड्स, यानी कि जो M Hammond है वो किसको ब्लेम करके है फ्रेंड्स के जैसे बच्चों को लेके कि वो पढ़ नहीं हुए, ये सोच के MML किसको ब्लेम करके है। तो दो लोगों को ब्लेम करके MML खुद को और एक उनके पेरेंट्स को। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि वो क्या ब्लेम करके है। सेकेंड थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, फ्रेंड्स किंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन व्हाइल द पिजन्स, व्हाट डस दिस टेल अस अबाउट दिस एटीट्यूड ऑफ द फ्रेंचमैन, यानी कि फ्रेंच जब ये सोचता है कि वो लोग जो पिजन्स है उनको भी जर्मन में सिंग करने के लिए मजबूर करेंगे, इससे जो फ्रेंच मैन है उनका क्या बिहेवियर आपके सामने आता है, उस फ्रेंच मैन का ये बिहेवियर सामने आता है कि वो लोग कितने डर के हैं, वो लोग उन लोगों से पर्शिया के लोगों से कितने ज्यादा डिप्रेस्ड है, कितने ज्यादा डरे हुए हैं कि वो लोग उनकी बात ऐसे मान रहे हैं। ठीक है, वो उन लोगों के पास अपने आप को लेके कोई वो नहीं है कि वो लोग अपने लिए स्टेप उठा सके, ऐसा कुछ नहीं है उनके मन में। ठीक है, और देखो ये जो एक क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी इसका आंसर नहीं बताऊंगी, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और जिसका आंसर मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसका कमेंट में पिंग करूंगी। क्वेश्चन लिख सकते आप लोग, What all unusual things friends noticed? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What all unusual things friends noticed? फ्रेंड्स ने क्या क्या अनयूजुअल थिंग्स नोटिस की उस दिन स्कूल में। ओके, तो आप लोग जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये इसकी समरी आपको कैसी लगी और इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, जिसका आंसर सही होगा, जिसका आंसर गलत भी होगा मैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन में सही बता दूंगी इसका रिप्लाई करके। ओके, तो ये वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार। ओके, बाय बाय।